इंडक्टर के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, ये आपके पास एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर को क्या नाम दिया मैंने, प्योर इंडक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर और प्योर इंडक्टर में क्या फर्क है। जब मैं बोलूंगा प्योर इंडक्टर, देखो जब इसमें करंट आ रहा है आई, राइट आई, और आई कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है अपनी वैल्यू को चेंज, तो ये अपने अंदर क्या डेवलप करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंडक्टर किसका बना हुआ है, वायर्स का। वायर की क्या होती है, रेजिस्टेंस आर, मटेरियल की वजह से आर, तो आर रेजिस्टेंस तो करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, साथ में एक और चीज ऑफर करेगा और वो क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी इंडक्टर की, इंडक्टर जो इंडक्टर है उसमें अपने डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो चेंजिंग करंट को अपोज करेगा। तो अपोजिशन दो चीजें कर रही है, एक आर करता है और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी करती है, दोनों चीजें करते हैं, राइट। ये आम इंडक्टर की बात हो रही है, आम इंडक्टर की। नॉर्मल इंडक्टर में आर अपना रोल प्ले करता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी करती है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि कौन सा इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर में कैपिटल आर को कंसिडर नहीं करते, नहीं करते, मतलब सिर्फ इंडक्टेंस करते हैं। तो किसका अफेक्ट कंसिडर करेंगे, ओनली इंड्यूस्ड ईएमएफ, आर का अफेक्ट कंसिडर नहीं करना। होती है प्रैक्टिकली, दुनिया में कोई प्योर इंडक्टर नहीं है, आर तो होगी होगी, पर हम स्टडी करते हुए इंडक्टेंस का ही अफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं तो प्योर इंडक्टर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर इंडक्टर क्वेश्चन में गिवन हो और प्योर ना गिवन हो, तो फिर आर भी लेना है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लेनी है, दो चीजें अपोज करती हैं। लेकिन अगर सपोज करो एक मिनट के लिए, अगर आई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है और प्योर नहीं है, ओनली इंडक्टर है और आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट करंट में जब कॉन्स्टेंट करंट जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट करंट में तो होती नहीं, जब करंट चेंज होगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, नहीं तो कैसे होगी। तो कॉन्स्टेंट करंट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, तो फिर सिर्फ कौन अपना अफेक्ट दिखाएगा, आर। जैसे डीसी है, डीसी करंट कॉन्स्टेंट है तो आर के साथ ही न्यूमेरिकल होते हैं, इंड्यूस्ड करंट हम नहीं लेते। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो क्योंकि ये चैप्टर एसी है, एसी के अंदर आर भी अपना अफेक्ट दिखाएगा और इंड्यूस करंट भी, इंड्यूस ईएमएफ भी दिखाएगा, पर ज्यादातर क्वेश्चन प्योर इंडक्टर पे आते हैं, प्योर इंडक्टर में आर नहीं दिखाएगा, सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही दिखाएगी। कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखो, सपोज आपके पास अब ये प्योर इंडक्टर है, मैंने इसमें ईएमएफ कितनी अप्लाई की, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, जब आपने E is E not sin omega t apply की, तो इसके अंदर क्या develop होगी, induced EMF। तो ये आपकी EMF है और induced EMF क्या है, minus L di by dt, और net sum क्या होगा, zero, क्योंकि किसी भी closed loop में according to Kirchhoff law net EMF का sum क्या होना चाहिए, zero। आप एक काम करो, अपने booklet में इसके बाद ये इस जगह पे ये step लिख लो please, ये सीधा shortcut लग गया, तो please एक बार ये लिख लेना, ठीक। ठीक है, तो अब चेक करो, अब ध्यान से देखना है सबने इधर, सपोज ये वाली टर्म राइट साइड पे जाए तो ये स्टेप बन गया, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इस स्टेप में ध्यान से इधर, डी आई एक तरफ, डी टी एक तरफ, तो डी आई ई नॉट बाई एल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, ठीक। तो ये किसी भी इंस्टेंट पर स्मॉल करंट आ गया इन स्मॉल टाइम dt, इसको इंटीग्रेट करके इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं, तो इंटीग्रेट करके ये क्या आएगा, i e not by l sin की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos minus cos omega t divided by d by dt of omega t से क्या आएगा, omega। तो यहां पर l omega बाहर आ गया, तो करंट क्या बन गया, minus e not by l omega cos of omega t। ये स्टेप क्लियर है यहां तक,
ठीक, ये देखो आगे देखो प्लीज, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ईएमएफ कितनी अप्लाई की थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। करंट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई नॉट बाय एल ओमेगा इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। अब चेक करो, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं आया, करंट की इक्वेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ने करंट की इक्वेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक। अब अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो मुझे एक चीज बताओ कि ये ईएमएफ है और ये टाइम है। मैंने किसी से पूछा ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करो, तो उसने साइन, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, बिल्कुल सही है, ईएमएफ में तो कोई चेंज नहीं। करंट का जब मैंने ग्राफ प्लॉट करने को कहा तो करंट का ग्राफ साइन फंक्शन फॉलो ही नहीं कर रहा, करंट का ग्राफ क्या फॉलो कर रहा है, माइनस कॉस। मेडिकल के लोग देख लें, जब भी कॉस का कोई ग्राफ बनाना होगा, जब भी साइन का रादर ग्राफ बनाना होगा, तो साइन का ग्राफ तो स्टैंडर्ड ऐसे बनता है। जब ग्राफ कॉस थीटा का बनता है तो कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता हुआ चलता है, जब माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा तो उसकी स्टार्टिंग ऊपर की बजाय नीचे से होती है। ये पॉइंट क्लियर है। अब क्योंकि हमारी जो करंट की इक्वेशन है वो किस में दिखाई दे रही है, माइनस कॉस में। अब माइनस कॉस का मतलब हमारा ग्राफ का स्टार्टिंग ऊपर से नहीं, उल्टा नीचे से होगा, चलेगा पीरियोडिक कुछ इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसका वेव फॉर्म स्टडी करते हो, वेव फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि ईएमएफ ये देख रहे हो, ये री स्टार्टिंग पॉइंट देखना होता है, स्टार्टिंग ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट नीचे से है तो माइनस कॉस है, और माइनस कॉस है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ईएमएफ और करंट का वेव फॉर्म समझ में आ गया कैसे बनेगा। उसके बाद आगे ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है कैसे, यहां तक ये टर्म आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो ईएमएफ है स्टैंडर्ड, जो मैंने ईएमएफ अप्लाई की थी, वो ईएमएफ में मैंने किस में अप्लाई की थी, साइन में, और मेरा जो करंट है वो चेंज होके किस में आ गया, माइनस कॉस में। अगर मैं इन फेजेस को स्टडी करना चाहता हूं तो दोनों की दोनों इक्वेशंस या तो साइन में चले या दोनों इक्वेशंस कॉस में चले। ऐसे नहीं होता कि एक साइन है और कॉस है, फिर करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं काम करते हैं, ईएमएफ तो ऑलरेडी साइन में है, हम करंट की इक्वेशन को कॉस को छोड़ के किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो, तो साइन में कन्वर्ट करने का तरीका, कॉस ओमेगा टी को लिख लिया साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि मैथ्स में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो साइन में लिख लिया, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर गया ई नॉट बाय एल ओमेगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, कोई डाउट? ठीक है यहां तक। तो ये मेरे पास करंट की इक्वेशन आ गई। एक काम करते हैं, करंट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन, और जब ये वन हो गई तो आई नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट इज ई नॉट बाई एल ओमेगा। ये काम करते हैं, इसकी जगह लिख लेते हैं आई नॉट, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल ओमेगा। इसको प्लीज ब्रैकेट में डाल लो, उसको हाईलाइट करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गई, आई नॉट इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्लियर यहां तक। तो मैंने ईएमएफ को और करंट को दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में। तो ईएमएफ का एंगल किसी भी इंस्टेंट पर अगर ओमेगा टी है तो करंट का एंगल उस इंस्टेंट पर ओमेगा टी नहीं होगा, कितना होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू हो, कोई डाउट इसमें? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ओनली इंडक्टर में ईएमएफ का एंगल, या ऐसे बोलते हैं चलो, करंट का एंगल ईएमएफ के एंगल से पाई बाय टू एंगल पीछे है, पीछे है, यानी कि करंट लैग्स द फेज ऑफ करंट लैग्स फेज ऑफ ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ
पाई बाय टू, या फिर ईएमएफ आगे है करंट से बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, यानी कि ईएमएफ लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम ये बोल सकते हैं कि करंट, जो करंट का एंगल है वो ईएमएफ के एंगल से पाई बाय टू पीछे है। अब मैक्सिमम करंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ई नॉट बाय एल ओमेगा। ठीक, वेयर आई नॉट इज ई नॉट बाय एल ओमेगा। तो स्टेटमेंट देख लो कि करंट आई लैग्स बिहाइंड ई बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, या ई लीड्स आई बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, क्योंकि आई नॉट किसके इक्वल है, ई नॉट बाय एल ओमेगा, या ई नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट इनटू एल ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ओम लॉ को ध्यान से देखना इधर, ईएमएफ इज करंट इनटू ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, तो ये टर्म क्या मानी जाएगी, रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस होने का रीजन क्या है, हमने कैपिटल आर को तो निग्लेक्ट किया क्योंकि हम तो स्टडी कर रहे हैं प्योर इंडक्टर, हम कैपिटल आर को तो ले नहीं रहे, तो फिर इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि क्योंकि इंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था और आपके चेंजिंग ई को अपोज कर रहा था, तो वो अपोजिशन को मेजर किया गया बाय टर्म रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई, एल ओमेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस वर्ड कंफ्यूजिंग है, रेजिस्टेंस से ऐसा लगता है जैसे मैं कैपिटल आर की बात कर रहा हूं, तो मैं नाम चेंज कर रहा हूं रेजिस्टेंस का, इंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस रेजिस्टेंस का नाम आज के बाद क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका सिंबल क्या होगा, एक्स एल। क्लियर यहां तक, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका सिंबल क्या होगा, एक्स एल। XL, ठीक, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस या XL, ध्यान आगे देखो, तो ये रेजिस्टेंस होने का रीजन मैं फिर पूछ रहा हूं, इस रेजिस्टेंस होने का रीजन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो एक काम करते हैं,
हम इमेजिन करते हैं कि करंट एसी नहीं है, इमेजिन करते हैं करंट डीसी है। अब इंडक्टर में अगर डीसी करंट पास करेंगे तो ओमेगा क्या होगा बोलो इसका? जीरो, क्योंकि डीसी करंट में साइकिल्स नहीं होते, डीसी फ्लैट होता है, तो ओमेगा क्या होता है? जीरो। तो एक्सएल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब डीसी करंट पास करेंगे तो इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो आज के बाद कोई न्यूमेरिकल जब इंडक्टर पे आएगा, जब करंट क्या होगा? एसी, तो ये इंडक्टर अगर प्योर ना हुआ तो ये आर तो ऑफर करेगा ही करेगा, साथ में एक्स एल भी करेगा। पर अगर ये प्योर हुआ तो फिर इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक्स एल करेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है। दूसरा, देखो तो इसके अंदर ये जीरो करके दिखाया, यूनिट्स एक्स एल के इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात रेजिस्टेंस की हो रही है, वैसे करके दिखाया है, तो याद करो सीधा इसके यूनिट्स क्या होते हैं? ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये ओम्स में ही मेजरेबल है। तो फेजर्स की अगर बात करते हैं तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी? साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ का वेक्टर देखो क्या एंगल बना रहा है? ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो फिर करंट ओमेगा टी से पीछे एंगल बनाएगा बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू। देखो करंट ईएमएफ से पीछे की तरफ एंगल बना रहा है कितना? बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पीछे चलाना है, क्योंकि फेजर्स का मूव करने की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो उस एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ईएमएफ आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है? 90। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, ईएमएफ ने का फेज कितना है? ओमेगा टी। करंट का फेज ईएमएफ से पीछे है बाय एंगल ऑफ 90। कोई डाउट इसमें? तो फेजर बन जाएंगे। कंपटीशन में सीधा फेजर्स पे या उन इक्वेशंस पे या न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आएगा, और कभी कभी तो ग्राफिकल यहां से भी आ जाता है कि बताओ कि ये इंडक्टर है या कैपेसिटर है, क्योंकि जो तो इंडक्टर है अभी हमने डिस्कस किया, देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा था करंट, तो यहां से पता लगता है कि वो इंडक्टर है। और अगर जो एनसीईआरटी की बात करते हो उसमें एग्जैक्टली यही प्रूफ आता है, और प्रूफ के अंदर आपको ये दोनों डायग्राम्स प्लॉट करने ही करने, पूरे का पूरा लिख के आना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। आज के जो तीन टॉपिक हैं उनमें से कुछ ना कुछ पक्का आएगा, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड कॉम्पिटिशन दोनों में आएगा, तो दो लेक्चर्स में काफी गेन हो जाएगा इसमें। तो ये रिजल्ट क्लियर है। अब एक काम करते हैं, अब हम लगाते हैं